शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा कि बाहर वाले लोग आएंगे, हमें ज्ञान देंगे और धमकाएंगे। मम्मी जी, ये आप भी जानती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अभय के लिए किया। अरे हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं श्रद्धा, तुम्हें जितना चीखना चिल्लाना है इस घर में करो, लेकिन बाहर वालों के सामने अब तो तमाशा मत बनाओ। लेकिन फिर इस घर में मेरा क्या होगा? ठीक है, तुम यही चाहती हो ना मैं रोशनी से दूर रहूं, तो जब तक हम साथ हैं हमारा तलाक नहीं हो जाता, मैं रोशनी से दूर रहूंगा। पर तुम्हें तब तक मेरे परिवार को पूरी इज्जत देनी होगी। पर मम्मी जी, बस अभय ने कह दिया ना तो ये बात यही खत्म हुई। अब तुम जाओ और पहले रसोई की रस्म की तैयारी करो, चलो जाओ। क्या हुआ कीर्ति, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? वरुण जी, हमें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। जितना हम अपनी बहन को जानते हैं, वो इन महिला मुक्ति वाली औरतों को बुलाकर अभय को कभी खतरे में नहीं डालेंगी। हाँ, यही सवाल मेरे दिमाग में भी कब से आ रहा है। हमें लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन औरतों को ना हमने कहीं तो देखा है। अब देखना श्रद्धा, कैसे ये मिर्ची उड़ के तुम्हारी आंखों में जाती है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पत्नी होने का और मुझे इस बात की मिर्ची लगाने का। अब जैसे ही तुम अपनी पहली रसोई करने आओगी ना, मैं ये फैन ऑन कर दूंगी और फिर सारी मिर्ची तलेगी तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी आंखें ऐसे जलेंगी जिसे तुम दोबारा मेरे अभय पर अपनी नजर नहीं डाल पाओगी। चाहती क्या हो तुम? क्यों सबको परेशान करके रखा है तुमने? क्यों? मैं क्या परेशान कर रही हूँ आपको? तुम नहीं कर रही हो तो और कौन कर रहा है? धोखे से मुझसे शादी की, ये जानते हुए भी कि मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। फिर ये महिला मुक्ति वालों को घर ले आई तुम, ये जानते हुए भी कि रोशनी को इस घर में मैं लेकर आया हूँ। अब तुम ये भी जानती हो कि रोशनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हजार बार मैं भी आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। तुम हजार बार कह लो या ये चाकू से मार लो मुझे, तुम जबरदस्ती मेरा मन नहीं बदल सकती हो। कब मारा मैंने आपको? इरादे तो तुम्हारे यही लग रहे हैं। क्या हुआ? लगता है थोड़ी मिर्ची मेरी आंखों में चली गई। पानी फेंकना पड़ेगा, आ जाओ। बहुत जल रहा है। दिखाओ, रुक जाओ तुम।
रोशनी, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? अरे वो सब छोड़ो, पानी तो बहुत जल रहा है मेरी आंखों में, मिर्ची चली गई है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना बनाने आई थी और फिर पीछे से श्रद्धा आ गई और मैं छुप गई ताकि इसे ऐसा ना लगे कि मैं इसकी पहली रसोई खराब कर रही हूँ और ये फिर से महिला मुक्ति और पुलिस को बुला लेगी। क्यों? पुलिस को बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है जब पुलिस वाले घर में ही है? तुम्हें तो उसके बारे में अच्छे से पता होगा ना, तुम्हारी सहेली जो बन गई है वो इन दिनों। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ। श्रद्धा त्रिपाठी, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। क्या हुआ कीर्ति, क्यों इतना चिल्ला रही हो? हम सब हैं ना यहाँ पर, हमें बताओ कि क्या बताना है तुम्हें। अब कौन सा नया तमाशा करना चाहती हो? तमाशा कौन और कैसे बनाता है वो अब हम बताते। बुलाइए ना अपनी प्यारी बहुरानी को। क्या हुआ कीर्ति? क्या हुआ है वो अब हम आपको बताएंगे। अरे हमें तो हैरानी हो रही है, आप जो इतना सच्चाई का साथ देती हैं, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े खेल भी खेल सकती हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको पता है हमें ना परेशानी होती थी आपकी इस महानता, आपकी इस अच्छाई से ना हमें चिढ़ मचती थी कि कहीं आप अपने लिए ही गड्ढा ना खोद लें। पर हमें क्या पता था कि आपके तो इतने अलग अलग रंग हैं। क्या बोले जा रही हो अपनी सगी बहन के बारे में? क्या कर दिया है श्रद्धा ने जो उल्टे हाथ से उसका कान पकड़ने पर तुली हो? ये वही महिला मुक्ति वाली औरतें हैं ना जो आज सुबह घर पर आकर इतना तमाशा करके गई। आप बताएंगी या अभी भी चुप रहेंगी? ठीक है, आप मत बताइए, हम ही बता देते हैं। ये कोई महिला मुक्ति वाली औरतें नहीं है, ये सारी औरतें इनके क्लाउड किचन में काम करती थी। इन्होंने उनका इस्तेमाल किया ताकि रोशनी को घर से बाहर निकाल सके। ये आपके बारे में बोल रही हैं? आप ये भी कर सकती हैं? इतना बड़ा झूठ बोला आपने? हाँ, बोला मैंने झूठ। क्या बात है, हमारी श्रद्धा तो अलग ही रचनात्मक होती जा रही है। ठीक है रीश, हमें लगता है इसे समझ में आ गया है कि जब की सीधी मुंह से नहीं निकले ना तो उल्टे ही कर लेना चाहिए। इसके उकसाने पे वो क्लाउड किचन की औरतें मुझे धमकी देके गई। पता नहीं न जाने कल ये अपने गुंडों को भेजकर मुझे अगवा भी करवा लेगी और मुझे चोट भी पहुंचाएगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।